बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज के अपडेट। अपडेट यार, मैं मुस्कुरा इसलिए लगा हूं कि मुझे क्या भाई, यूट्यूब के ऊपर आप बहुत से बंदों से, टिकटॉक के ऊपर मैं सैकड़ों वीडियो ऐसी देख रहा हूं और हजारों कमेंट ऐसे पढ़ रहा हूं कि सऊदी अरेबिया की फ्लैट्स कब खुलेंगी। भाई हम सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, छुट्टी वाले, इकामा वाले, न्यू वीजा वाले, फैमिली वीजा वाले, विजिट वीजा वाले, कोई भी खादमा साई खास वगैरह। तो भाई इसके मुतालिक आपको पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आप जो भाइयों के इकामे बढ़ाए गए थे इस बड़ी ईद के 10 या 12 दिन, 10 दिन गालबन बाद तक की मुद्दत है उन इकामों की, तो क्या इस दौरान सऊदी अरेबिया अपनी इंटरनेशनल फ्लैट खोल रखा है या कोई डेट दे दी गई है। सबसे पहले तो जो टिकटॉक के ऊपर बंदे वीडियो लगा रखे हैं कि भाई ईद से चंद दिन पहले या इस डेट को सऊदी अरेबिया अपनी फ्लैट खोल रखा है, तो ये सरासर झूठ है जी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अभी बात कर लेते हैं फ्लैट्स के मुतल्लक। तो जो अभी तक की भाई मामला, यानी कि अभी तक का जो मामला सामने आ रखे है, उनको देखते हुए जैसा कि पहले कहा गया था, वैक्सीन की दोनों डोज आपको लगवानी लाजम होगी। अभी आपने अगर फाइजर या एक्स्ट्राजेनिका वगैरह की एक डोज भी ली होगी तो आपको बशर्ते कि 14 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका हो एक डोज लिए हुए भी, तो आप सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं क्लियर कर दूं भाई, जिन बंदों को वैक्सीन किसी ना किसी मसले की वजह से नहीं लग सकी है पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए, तो आप भी सऊदी अरेबिया में आ सकेंगे जी मेरे भाई। लेकिन उसके लिए होगा क्या, जब सऊदी अरेबिया अपनी फ्लैट ओपन करेगा तो उसके साथ ही बता देगा कि जिन बंदों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है उनको इतने दिन सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन वगैरह करना होगा, साथ में इतने 100, 200, 400, 500, तो जो लिमिट रखी जाएगी आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, कि इतने 100 आपको डॉलर जमा करवाने होंगे यहां पर, जो क्वारंटाइन वगैरह का यानी कि खर्चा होगा। इससे भाई पहले आपको क्लियर कर दूं मैं, जैसा कि अभी सऊदी फैमिलीज के साथ, सऊदी कफीलों के साथ घर के ड्राइवर और खादमाएं वगैरह अभी भी सफर कर सकते हैं और उनको कंटाइन वगैरह भी अपने ही घर में करना होगा, यानी कि कहीं अलग से उनको ना रखा जाएगा और ना ही उनसे कुछ अजाफी पैसे लिए जाएंगे। तो फ्लैट्स के मुतालिक भाई, अगर सऊदी अरेबिया ईद के 10 दिन बाद तक फ्लैट्स ओपन कर देता है, जो कि मुझे लग रहा है कि ईद के 5-7 दिन बाद तक ओपन हो जाएंगे, अगर नहीं होती हैं तो आप भाइयों के इकामे फिर से भाई बढ़ा दिए जाएंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, एक माह के लिए, यानी कि वो देखकर उस हिसाब से आपके इकामे फिर से बढ़ा देंगे अगर फ्लैट्स ओपन नहीं करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जितनी देर आप पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं एंजॉय के लिए घूमे फिरे, फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी, कोशिश कीजिए भाई वैक्सीन आप लगवा लें, यही बेस्ट है आपके लिए। एक्स्ट्रा जाने का फैजर वगैरह तो नहीं भी तो आप आ तो सकेंगे, लेकिन लगवा लें, ये आपके लिए बेस्ट है। घूमे फिरे, खाएं पिए, फ्लैट्स ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द और आप भाई सऊदी अरेबिया में भी आ सकेंगे।